खुदा यीशु मसीह की जय हो। आज इस बहुत ही अच्छे दिन पे, इस समय पे हम एक साथ मिलकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह की गुणगान करने, उनकी महिमा करने। इस पिछले दिनों में, इस पिछले हफ्तों में उनका कृपा, वो कितने अच्छे थे हम सब से। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करता कि जो हमें बुराई में लेके चले, वो हमेशा हमें भलाई और अच्छाई में लेके चलता है। खुदा यीशु मसीह, जो हम आपकी महिमा और गुणगान कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे पक्ष आके हमारे मध्य आपका सानिध्य हो जाए, क्योंकि आपके अलावा भले हम कुछ भी करें उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति, आपके सानिध्य हम चाहते हैं। हमारे हाथों से, हमारे मन से गलतियां हुआ है, हमें माफ कीजिए। हमें गुनाहों को हमें कबूल करके देख दीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, ताकि हम अपने पूरे मन से, अपने पूरे तन से आपकी महिमा करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम गाएंगे कि मेरा यीशु हर दिन हर वक्त मेरे लिए अच्छा है। उसने क्रूस पर अपना जान देके उसका मतलब हम सबको समझा दिया। हम मिलके गाएंगे।
मेरे मन वो ही का।
यीशु मसीह आप कितने महान हैं। हर दिन हमारे जिंदगी के सफर में, हमारे जन्म के पहली बार जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, उस वक्त से हम जब हम अपने जिंदगी की आखिरी सांस लेते हैं, उस वक्त तक वो हमसे भला है, वो हमारे लिए भला है। हमारे मन में वो शांति देता है, हमारे हाथों में हमें जो भी चाहिए वो हमें देता है, वो हमारे संग है, हर वक्त वो हमारे पास है। ऐसा एक समय था कि यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था। वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था पहाड़ के ऊपर। उसी वक्त उनके शिष्य एक समुद्र को पार करके दूसरी जगह पर जा रहा है, पर उनके रास्ते में बहुत कठिनाई आते हैं, मुश्किलें आते हैं। समुद्र ने तहल तहल मचा दिया उनके नाव के अंदर और सब डरे हुए बैठे हैं। उस वक्त रात के तीसरे क्षण में उन्होंने देखा कि यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चलते हुए उनके पास आ रहा था। आपसे मैं इस वक्त पे कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में कितनी भी बुरी मुश्किल वक्त इस समय आप गुजर रहे हैं ये मैं नहीं जानता, पर आपकी इस परिस्थिति भले ही वो कितने भी रात के अंधकार की तरह हो, उसके ऊपर, उस अंधकार के ऊपर, उस पानी के ऊपर चलते हुए यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। आमीन। यीशु मसीह उस अंधकार को मिटा के एक प्रकाश के रूप तुम्हारे पास आ रहा है। हालेलुया। आमीन। वो तुम्हारे संग है, वो तुम्हारे साथ है। जब तुम सोच रहे हो कि इस अंधकार ने, इस रात के इस शक्तियों ने मुझे घेर कर रखा है, वहां से एक उदय सूर्य की तरह वो आ रहा है तेरे पास, वो तेरे संग है। जिस प्रकार सूर्य के चरने अंधकार को मिटाता है, जिस प्रकार यीशु मसीह एक दो तीन ऐसे उनके पात्र के वो तुम्हारे पास आ रहा है। इस वक्त यीशु मसीह ने समुद्र के ऊपर चलते हुए अपने शिष्यों के पास आया और बोला, और उनको शांति मिला और समुद्र शांत हो गया। हम गाएंगे कि वो हमारे संग है, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हमें कोई मुश्किल कभी भी हमारे जीवन में आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारे संग है। जब हम उसके संग खड़े हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई भी रात के अंधकार हमारे ऊपर कब्जा नहीं चला सकता। इस विश्वास के साथ उनके प्रेम, उनके महिमा की गुणगान करके हम एक गाना गाएंगे, मिलके गाएंगे। शैतान को हरा दिया।
the same. Ab main jee utha nayi shakti se. Piche nahi mudunga, har nahi marunga, ladta rahunga sang tere. Something.
बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हमारे साथ मिलके गाएंगे, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मिलके गाइए हमारे साथ, चाहे मेरे जिंदगी में तूफान आए, मुश्किल आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, हर दम हर पल प्रभु तेरे संग में जीना चाहता हूं। हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, इस दिन इस वक्त जब हम प्रभु के इस सानिध्य में, हम अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, कि मैं हार नहीं मानूंगा, कि चाहे जिंदगी में मेरे जो भी मुश्किलें आए, जो भी घटनाएं हैं, जो भी रात के अंधकार के वक्त मेरे जीवन में है, मैं आगे ही बढ़ूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगा। मैं आपके पीछे, यीशु के पीछे आने का मैंने शपथ लिया और मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। इन कोटि कोटि कृपा और अच्छे चीजों के लिए जो खुदा ने हमको किया है, हम उनको क्या दे सकते हैं, उनको क्या ला के हम दे सकते हैं, सिर्फ उनको शुक्रिया कहने के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस वक्त खुदा को हम धन्यवाद कहने जा रहे हैं, हम मिलके गाएंगे कि हम, मैं प्रभु मैं कुछ नहीं दे सकता आपको, जो आपने जिस प्रेम, जिस शांति जो आपने मुझे दिया है, उसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ शुक्रिया प्रभु। क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, क्या ले सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम, शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तुझे बस शुक्रिया।
ऐसा काम उन्होंने किया क्रूस पे कि कोई समझ नहीं पाता कि उस वो प्रेम कितना गहरा है। हमने पूरे जिंदगी बिता दे फिर भी कम हम फिर भी उस प्रेम को एक ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। अगर हम एक काम करते हैं, एक आपने सोच लिया कि आज से मैं प्रभु के प्रेम के बारे में लिखूंगा, अगर इस दुनिया में होने वाले सारे पेड़ों को काट के पेपर बना के दिया तो भी लिख के खत्म नहीं होगा कि यीशु का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम कितना महान, उससे भी अधिक ऊपर है, उससे भी अधिक गहरा है उनका प्रेम। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करने के लिए, हमारे लिए आप खुद अपने आप को कुर्बान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जब हम आपके वचन से सुनने जा रहे हैं, हमारे तन और मदन मन को वो बदल डाले और हम एक नया इंसान बने और आपके लिए और आपके राज्य के लिए काम करें और अच्छा काम करने के लिए आपका वरदान हमें दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन आमेन।